एक तरफ बिहार में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर 121 लीटर शराब के साथ उत्तर प्रदेश में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के थाना कोतवाली पुलिस ने बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात व्यक्ति की कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, साथ ही सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस सब इंस्पेक्टर का नाम रवि किशन बताया जा रहा है और इसके पास से तकरीबन 121 लीटर शराब बरामद हुई है। पूरे मामले पर एएसपी का क्या कहना है, जरा सुनिए। जनपद बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। ये शराब रवि किशन नाम के व्यक्ति से बरामद की गई है, जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। इस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को सफल बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश के सपनों पर कैसे पानी फेरने का काम कर रहे हैं बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर, और पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बलिया से होती है, जहां योगी की पुलिस उनको 121 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार करती है। बलिया से संवाददाता अनिल अकेला की रिपोर्ट आप देख रहे थे।